नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं गीता के महात्म्य के बाकी के श्लोक के बारे में बताने वाला हूँ। तो पार्ट वन में हमने जाना था गीता के महात्म्य के 10 श्लोक के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम गीता के महात्म्य के बाकी के श्लोक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठे समर्थः संपूर्णे ततोर्ध पाठमा चरेत तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशयः। अर्थात यदि वह पूर्ण पाठ न कर सके तो आधा पाठ करे, परंतु गोदान का पुण्य प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नानम फलम लभते, सदसह जपमानस्तु सोमयाग फलम लभते। अर्थात तीसरे भाग का पाठ करने से गंगा स्नान का फल मिलता है और छठे भाग का पाठ करने से सोमयाग का फल मिलता है। एकाध्याय तु नित्य पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकम वापनोप्ति गणो भूत्वा वसे चिरम। अर्थात जो मनुष्य भक्तिपूर्वक प्रतिदिन एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त करता है और वहां भगवान शिव के रूप में लंबे समय तक निवास करता है। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते नरः स याति नरताम यावन्म नवंतरम वसुंधरे। अर्थात हे पृथ्वी, जो मनुष्य नियमित रूप से एक अध्याय एक श्लोक या एक श्लोक का पाठ करता है वह मन्वंतर तक मनुष्य का पद प्राप्त करता है। गीता या श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टाम द्रो तिन के तर्दवा श्लोकाना यह पठे नर चंद्रलोकम वापनोप्ति वर्षाणा मयुतः ध्रुवम गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुष सता व्रजते। अर्थात जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधा श्लोक का पाठ करता है वह निश्चित रूप से 10,000 वर्षों के लिए चंद्रलोक को प्राप्त करता है। गीता के पाठ में लगकर मरने वाला मनुष्य पशु के आधार शरीर से रहित मनुष्य हो जाता है। गीता व्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति मुतमाम गीतेत्युच्चारस्योक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। अर्थात वही गीता का पुनः अध्ययन करने से उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीतार्थ श्रवणाशक्तो महापापयु तो अपि वा वैकुंठम समवापनोप्ति विष्णुना सह मोदते। अर्थात यहाँ तक कि महान पापी व्यक्ति भी यदि वह गीता के अर्थ को सुनता है तो वैकुंठ बन जाता है और विष्णु की संगति का आनंद लेता है। गीतार्थ ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परम पदम। अर्थात जो अनेक कर्म करके नित्य गीता के अर्थ का निरंतर चिंतन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद परम पद को प्राप्त करता है। गीता मा श्रित्ये बहवो बुभुजो जनकादय निर्दत कल्मषा लोके गीता याताह परम पदम। अर्थात गीता का आश्रय लेकर अनेक राजा जनक आदि परंपरा हित होकर लोक में गाए गए हैं और परम पद को पा गए हैं। गीतायाः पठनम कृत्वा महात्मयम् नैव्यः पठेत वृथा पाठो भवेच्च श्रम एव रुदारतः। अर्थात गीता का पाठ करने से और महात्मा का पाठ न करने से पाठ निष्फल हो जाता है और ऐसा पाठ श्रम कहलाता है। एत महात्मयम संयुक्त गीता अभ्यास करोति यह स तत्फल वाप्नोति दुर्लभा गति माप्नुयात। अर्थात जो इस महात्मय से गीता का अध्ययन करता है वह फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त करता है। महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतान्ते च पठेत्यु यदुक्त तत्फलम लभेत।
अर्थात सूत बोले, मैंने गीता का यह सनातन महात्मा कहा। गीता पाठ के अंत में इसका पाठ करने वाले को ऊपर कही गई बातों का फल मिलता है। इति श्री वराह पुराण में श्रीमद् गीता महात्म्य संपूर्ण। तो आज हमने गीता के संपूर्ण महात्म्य के बारे में जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।